ये लो मैडम। अरे गगन तू? अरे एकता तू कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अच्छा रुक, मैं बाहर आती हूँ। अब बता तू यहाँ कैसे? अरे मैं तो बस ना राजमा चावल की प्लेट देने आया था गाड़ी में, देखा तो तू बैठी थी। लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया तब तो तू नहीं था वहाँ पे। वो क्या है ना, अच्छा अच्छा तू राजमा चावल बना रहा होगा। अरे नहीं भला, मैं क्यों बनाऊंगा। अच्छा तो फिर तू सिर्फ यहाँ पे गाड़ियों में सप्लाई करता है, बनाता वो भैया होगा जिसको मैंने ऑर्डर दिया। हाँ वो ना भैया बनाते हैं, लेकिन मैं सप्लाई नहीं करता। अरे वो सप्लाई नहीं, मैं समझ गई, तू गाड़ियों में राजमा चावल देने आता है। अरे नहीं मैं ना हर गाड़ी में। हाँ हाँ गगन कोई बात नहीं, इसमें शर्माने की क्या बात है, अब तू छोला चावल देता है तो देता है, तेरी ये दुकान है तो है, इसमें तू मेरे आगे ये क्यों बन रहा है कि मैं देने आया था या मैं देना नहीं चाह रहा था। अरे यार ये तो क्या बोल रही है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता, लेकिन अगर मेरा ये काम होता भी तो क्या दिक्कत थी, और वैसे भी कोई भी काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। वही तो बात है ना, तू कह तो रहा है कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन खुद अपने काम को छोटा मान रहा है, तभी तो मुझसे छुपा रहा है कि तू एक छोले चावल वाला नहीं है। और वैसे भी इसमें कौन सी नई बात है, स्कूल में भी तो तू सबके लिए 10-10 रुपए में पेटीज ले आया करता था। हाँ तो फिर क्या हो गया, यारी दोस्ती में कहते थे तो ले आता था। हाँ और पीछे से तेरा मजाक बनाते थे सब, ये तो तुझे पता ही नहीं था। हाँ तो फिर क्या हो गया, यारी दोस्ती में तो मजाक बना ही देते हैं, और वैसे भी मैं उनकी बात का ना कभी बुरा नहीं मानता था। जिसका मजाक खुद भगवान ने बना दिया वो यारी दोस्ती का मजाक का क्या ही बुरा मानेगा। यार तू ना कुछ भी बोले जा रही है, पहले स्कूल में कुछ भी बोल देती थी और आज इतने टाइम बाद मिली है तब भी कुछ भी बोल रही है, भला भगवान मेरा मजाक क्यों बनाएगा। तो तुझे क्या लगता है मैं सालों बाद मिली हूँ तो तेरी आरती उतारूंगी? जो इंसान जैसा होगा उससे वैसी तो बात की जाएगी ना, अब हम किसी से पहले से मजाक करते तो हम उसके साथ आज भी तो मजाक ही करेंगे ना। अरे मैं तो बस खाने का सामान पकड़ाने आया हूँ, इसी बात को इतना लंबा खींच रही है। तो तू एक्सेप्ट कर ना कि तू एक छोले चावल की रेडी लगा रहा है, दुकान लगा रहा है, इसमें और इतना बात बनाने की क्या जरूरत है, मैं नहीं आया था, मैं तेरे को ही देने आया था, क्यों मैं मैडम अप्सरा हूँ। वैसे ना तेरी शुरू की आदत है, पहले भी तू सामने वाले को किसी भी हिसाब से जज कर लेती थी और आज भी। तो क्या करूं, जज ना करूं तो जो बिंदा जैसा दिखेगा उसको वैसे ही तो जज करेंगे, और वैसे भी तू पहले भी ऐसे ही था और आज भी वैसा ही है, तेरे दिन नहीं बदलेंगे। चलो कोई बात नहीं, दिन तो दुनिया के बदलते हैं, मेरा वक्त बदल गया, और मैं यहाँ पे तेरे को राजमा चावल क्यों पकड़ाने आया था बताता हूँ। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ये मेरे को गाड़ी में पकड़ाना है। एक काम करो मैं पकड़ा देता हूँ, मेरे बना दो। बना दो। अब समझ आ गया कि सामने वाले का मजाक बनाने से पहले सोच लेना चाहिए। और रही बात काम की, तू क्या कर रही है आजकल? पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब ढूंढ रही हूँ साथ साथ। अच्छा जॉब ढूंढ रही है, वैसे सही बात है, तेरी जैसी लड़की को ना जॉब ही ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अपना कुछ करना तो तेरे बस की बात है नहीं। खैर मैं भी इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, तो एक काम कर रही हो, तू मेरी दोस्त है तो तेरी हेल्प करनी चाहिए मेरे को। 14 सेक्टर की बैक साइड ना मेरा ऑफिस है, वहाँ पे आ जाइयो, मैं रख लूंगा तेरे को जॉब पे, लेकिन एक शर्त पे, सैलरी सिर्फ 25,000 ही दूंगा, उससे एक रुपया भी ऊपर नहीं। हाँ लेकिन साल के साल बोनस जरूर दूंगा, टेंशन मत लियो बिल्कुल भी, पुरानी दोस्त है तू मेरी। और वैसे भी स्कूल में मैं तेरे को पेटीज खिला देता था अपने पैसों की, आज तू राजमा चावल खा ले, पैसे मैं दे दूंगा इसके भी। आजियो नौकरी पे रख लूंगा 25,000 रुपए में।